भोजपुरी की पसंदीदा जोड़ियों में से एक जोड़ी खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की है। ऑन स्क्रीन अक्सर दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब भाती है। रियल लाइफ के अलावा फैंस उन्हें रियल लाइफ में भी साथ में देखना पसंद करते हैं। अक्सर दोनों को लेकर मीडिया में खबरें रहती हैं कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसके साथ ही यूजर्स तो कई बार सोशल मीडिया पर सवाल करने लगते हैं कि दोनों स्टार्स शादी कब कर रहे हैं। ऐसे में इन सभी सवालों के जवाब एक इंटरव्यू में खेसारी ने खुद दिए थे। खेसारी लाल यादव से एक इंटरव्यू में रिपोर्ट ने सवाल किया था कि वो काजल राघवानी से शादी कब कर रहे हैं। दरअसल रिपोर्ट ने भी ये सवाल फैंस का प्रश्न बताकर पूछा था। इस पर एक्टर का जो पहला रिएक्शन था उसमें वो थोड़ी देर तक तो शांत हो गए थे और सोच में पड़ गए थे। इसके बाद खेसारी लाल यादव ने कहा था कि ऐसा कुछ भी उन दोनों के बीच में नहीं है। उनकी शादी 12 साल पहले ही हो चुकी है और उनकी पत्नी का नाम चंदा देवी है, जिनके वो 7 जन्मों तक हस्बैंड रहना पसंद करेंगे। वहीं काजल राघवानी के साथ अपनी रिलेशनशिप को लेकर बात करते हुए खेसारी ने कहा था कि जब दो स्टार्स के साथ लगातार काम करते हैं तो लोगों को ऐसा लगने लग जाता है, लेकिन उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। खेसारी ने काजल राघवानी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया था। इसके साथ ही वो कहते हैं कि फिल्मों में तो वो हर दिन शादी करते हैं और मूवी में हर एक्ट्रेस उनकी पत्नी है, तो क्या वो सबसे शादी ही कर लें और उनके साथ रिलेशनशिप में हैं? एक्टर ने कहा था कि वो लोगों को एंटरटेन करते हैं बस, और किसी और शादीशुदा होकर किसी और के साथ रिलेशनशिप में वो नहीं रह सकते हैं और ना ही किसी से शादी कर सकते हैं। गौरतलब है कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव की जोड़ी बलम जी आई लव यू, मेहंदी लगा के रखना, मैं सेहरा बांध के आऊंगा और संघर्ष जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी है। बता दें रियल लाइफ में खेसारी 2 बच्चों के पिता है। उनकी बड़ी बेटी कृति और एक बेटा है। कृति भोजपुरी में डेब्यू कर चुकी हैं। उन्होंने खेसारी के साथ फिल्म दुल्हनिया गंगा पार के में उनके और काजल राघवानी के साथ काम किया था। इसके लिए एक्टर की बेटी को अवार्ड भी दिया गया था और उनकी एक्टिंग की लोगों ने जमकर तारीफ की थी।